I gave you my heart. गैस सब्सिडी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना होगा और यहाँ टाइप करना होगा माई एलपीजी और सर्च पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इस फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और तीन टाइप का यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पर आपको जो आपका गैस सिलेंडर होगा, जो कनेक्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर लेगा। यहाँ पे तीन टाइप का दिया हुआ है, भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन गैस। तो हम इंडियन का चेक करते हैं क्योंकि मेरा इंडियन का है, तो हम इंडियन का चेक कर रहे हैं। इसके बाद आपको सब्सिडी चेक करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, गिव योर फीडबैक ऑनलाइन पे। इस पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आपको एलपीजी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कंप्लेंट डिटेल्स में लिखना है एलपीजी सब्सिडी। अब ऐसे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे सब्सिडी रिलेटेड पहल पे। इस पे अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में लिखना क्लिक करना है। इस पे सब्सिडी नॉट रिसीव्ड पे। और यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर आईडी है उससे भी देख सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी देख सकते हैं। तो हम मोबाइल नंबर से चेक कर रहे हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं। तो मोबाइल नंबर हम डाल दिए हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा एलपीजी लेते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उसको नंबर यहाँ पे डालेंगे, या फिर आपका जो एलपीजी आईडी है यहाँ पे डालेंगे। तो हम मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पहले कैप्चा वेरीफाई करके, तो हम कैप्चा वेरीफाई जल्दी से कर लेते। तो हम कैप्चा वेरीफाई कर लिए हैं, इसके बाद अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका लिस्ट खुल गया है। यहाँ पे देखिए कितना, तो फ्रेंड्स ये देखिए सारा लिस्ट खुल गया है। आपका सिलेंडर किस नाम से है वो सारा भी दिखाएगा। फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखा रहा है, लास्ट नेम दिखा रहा है, मोबाइल नंबर आपने जो डाला था वो दिखा रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पिन कोड ये दिखा रहा है, एड्रेस। अब यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखा रहा है कि कितना कितना पैसा आपके खाते में गया है उसका डिटेल्स है। तो यहाँ पे दिखा रहा है सीरियल नंबर है, ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है और सिलेंडर क्वांटिटी है और डिलीवरी डेट, सब्सिडी अमाउंट और कैश मेमो नंबर दिया हुआ है। तो आपको जिस मंथ का आपका चेंज चेक करना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हम अभी करेंट में उठाए थे ये वाला, ये अभी हाल का है 21 तारीख का। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप लोग अपना सारा सब्सिडी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अपना सब्सिडी चेक कर सकते हैं बिना बैंक गए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।